हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो से पहले 9-10 वीडियो और अपलोड करी हैं और उस पर 5-6 व्यूज भी आए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो पर कोई कमेंट नहीं आया है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पहली, दूसरी, चौथी, मतलब कोई से भी व्यूअर हो इस वीडियो के, तो इसको एंड तक देखो, चाहे वीडियो कैसी भी हो। और वीडियो को देखने के बाद आप एक कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या कमी है, मतलब वॉइस ओवर को लेकर, एडिटिंग को लेकर, और भी कुछ हो, आप बस एक ऑनेस्ट रिव्यू कर मुझे फीडबैक दो ताकि मैं आगे से वो गलतियों को ठीक कर सकूं। प्लीज यार कमेंट करो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2000 में रिलीज हुई ड्रामेटिक मिस्टीरियस मूवी फ्रीक्वेंसी के बारे में। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये मूवी फिजिक्स की एक स्ट्रिंग थ्योरी पर बेस्ड है। स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से हमारे अर्थ के 10 या उससे भी ज्यादा डायमेंशन है, और इस मूवी में भी एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर रेडियो के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाता है, और इन दोनों के टाइमलाइन में 30 साल का फर्क होता है। मतलब अगर पहले वाले अर्थ पर डेट 1 जनवरी 1975 होगी तो दूसरे वाले पर 1 जनवरी 2005 होगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है फायर फाइटर फ्रैंक सुलिवन से, जो अपने बेटे जॉन सुलिवन और वाइफ जूलिया सुलिवन, जो एक नर्स है, के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। फ्रैंक अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। एक रात पहले ही उसने अपनी जान पर खेलकर एक ट्रक ड्राइवर को बचाया था, और उसकी फैमिली और उसके दोस्तों को बेसबॉल गेम बहुत पसंद है, वो एक भी मैच मिस नहीं करते इस गेम का। 10 अक्टूबर 1969 की रात को फ्रैंक अपने बेटे जॉन को साइकिल चलाना सिखाता है और वो गिर जाता है, जिससे उसकी वाइफ जूलिया जॉन को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन 30 साल बाद का आता है, 10 अक्टूबर 1999, जहाँ फ्रैंक का बेटा जॉन सुलिवन अब 36 साल का हो चुका है और उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसी रात जॉन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है और वो उदास होकर अपने दोस्त गॉर्डो के साथ बैठा होता है। तभी गॉर्डो के बेटे को जॉन के पापा का, मतलब फ्रैंक का, फायर फाइटर वाला बॉक्स मिलता है। उसमें से गॉर्डो एक रेडियो निकालता है, जिसके इस्तेमाल 30 साल पहले जॉन के पापा फ्रैंक किया करते थे। गॉर्डो उस रेडियो को चालू करता है। असल में इस रेडियो में रैंडमली कोई फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं, जिससे रेडियो वाला किसी भी अननोन पर्सन से बात कर सकता है। गॉर्डो और उसका बेटा रेडियो को यूज करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं और उसे ऑन करते हैं। तभी गॉर्डो की वाइफ अपने पति और बेटे को घर के लिए बुलाने आती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। जॉन भी टीवी देखने लग जाता है। तभी रेडियो में से एक आवाज आती है, हेलो, क्या आपके पास बात करने का लाइसेंस है या कोई इमरजेंसी है? इधर जॉन आता है रेडियो के पास और बोलता है कि दोस्त, मेरी तो पूरी जिंदगी ही इमरजेंसी है। इस तरह इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों बेसबॉल गेम और उनके मैचेस के बारे में बात करने लगते हैं, और दूसरी तरफ से वो बंदा एक प्लेयर का नाम लेते हुए कहता है कि देखो, कल होने वाले मैच में वही जीतेगा। इधर जॉन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये सब खत्म हो गया है 1969 में ही, जब प्रेफर्ड ने सीवर की बॉल पार्क के बाहर फेंक दी थी और वो मैच जीत गए थे। तभी उनके रेडियो का सिग्नल टूट जाता है। दोस्तों, रेडियो की दूसरी तरफ 1969 वाला फ्रैंक होता है। असल में इस मूवी के अर्थ के दो डायमेंशन है, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि दोनों डायमेंशन में 30 साल का फर्क है। फ्रैंक अपने फ्यूचर के बेटे से ही इस रेडियो के जरिए बात कर रहा है। दोस्तों, जब आप फ्रैंक को देखोगे तो समझ जाना कि 1969 वाली टाइमलाइन है। जब आप यंग जॉन को देखो तो समझ जाना कि 1999 वाली ही टाइमलाइन है। नेक्स्ट डे फ्रैंक, उसकी फैमिली, सारे नेबरहुड और उसका बेस्ट फ्रेंड सैच, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो सारे बेसबॉल का वही मैच देख रहे होते हैं जिसकी बात लास्ट नाइट फ्रैंक और जॉन ने की थी, और मैच की एंडिंग वैसी होती है जैसा जॉन ने फ्रैंक को बताया था। दूसरी टाइमलाइन में जॉन सैच के साथ, जो अब बूढ़ा हो चुका है, एक केस पर काम कर रहे हैं, नाइटिंगेल केस, जिसमें 1969 से ही एक सीरियल किलर ने 3 नर्सों का मर्डर किया है और उसका कंकाल 30 साल बाद अब मिला है, जिसका अभी तक पता नहीं चला कि वो किलर कौन था। शाम को जॉन अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां वो दोनों फ्रैंक को बहुत मिस करते हैं क्योंकि अगले दिन ही फ्रैंक की डेथ एनिवर्सरी है। इधर जॉन अपने घर आता है और उस रेडियो से फिर आवाज आने लगती है, वो फ्रैंक की है। फ्रैंक जॉन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज का मैच कौन जीतेगा? जॉन कहता है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं था दोस्त, 30 साल पहले ही ये मैच हुए थे मेरे सामने। इधर फ्रैंक इस बात को मजाक में लेता है, कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे अगले मैच के बारे में भी बता सकते हो, और जॉन सारे मैचों के बारे में बताने लग जाता है। तभी लिटिल जॉन, जिसको फ्रैंक प्यार से लिटिल चीफ भी कहता है, वो अपने डैडी के पास आकर टेक मी आउट गाना सुनाने को बोलता है। फ्रैंक उसे अपने कमरे में भेज देता है, कहता है कि आके सुनाऊंगा गाना, और ये बात जॉन रेडियो में से सुन लेता है और फ्रैंक से कहता है कि एक मिनट रुको, तुमने अपना नाम क्या बताया था? फ्रैंक कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक सुलिवन है। इसे सुनकर जॉन को थोड़ा अजीब लगता है, उसे लगता है कहीं जॉर्डो उसके साथ कोई बेतुका मजाक तो नहीं कर रहा, और वो फ्रैंक को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मेरा नाम जॉन फ्रैंक सुलिवन है, मेरे फादर का नाम फ्रैंक सुलिवन है, और वो एक फायर फाइटर थे जो मुझे प्यार से चीफ कहा करते थे, और मैं क्वींस 344 सेकंड एवेन्यू में 55 से रह रहा हूँ, जहाँ मैंने 30 साल पहले ये सारे बेसबॉल के मैच देखे थे।
इसे सुनकर फ्रैंक को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसकी सिगरेट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है जिससे टेबल जल जाती है। और इधर जॉन देखता है कि उसकी टेबल पर एक ब्लैक निशान अपीयर होने लग रहा है और वो फ्रैंक को कहता है कि अभी आप उसी टेबल पर बैठे हो ना, और अभी आपने टेबल भी जलाई है। जिसे सुनकर फ्रैंक अपनी विंडो की तरफ बाहर देखता है, उसे लगता है कि उस पर कोई नजर रखी हुई है जो उसकी फैमिली को भी हार्म कर सकता है। और रेडियो पर वापस आकर वो जॉन को वार्न करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उधर से जॉन कहता है कि मैं लिटिल चीफ हूँ और आप तो मर चुके हो बक्सटन वाले वेयर हाउस में। फ्रैंक कहता है ओह अच्छा, तो मैं कब मरूंगा? जॉन बताता है कि 12 अक्टूबर 1969 को। फ्रैंक कहता है ठीक है, कल ही है 12 अक्टूबर, देखता हूँ कौन मारेगा मुझे। और जॉन फ्रैंक को समझाता है कि अभी देर नहीं हुई है, आप मेरी बात का विश्वास करो, अगर उस दिन आप दूसरे रास्ते से गए होते तो आप बच गए होते। और तभी सिग्नल टूट जाता है। नेक्स्ट डे फ्रैंक फायर स्टेशन पर मैच देख रहा होता है और मैच में वही सब होता है जो जॉन ने उसे बताया था। तभी इमरजेंसी बेल बजती है, फ्रैंक और सारे फायर फाइटर्स फायर ब्रिगेड लेकर जहां आग लगी है वहां जाते हैं और वो बक्सटन का वेयर हाउस ही होता है। ऊपर एक लड़की अभी भी फंसी हुई है, फ्रैंक उसको बचाने बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसे वो लड़की मिल भी जाती है। फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी स्टेयर्स का कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली खराब हो चुका है, जिस कारण फ्रैंक को अब बिल्डिंग में से ही बचकर निकलना होगा। और उसके सामने अब दो गेट होते हैं, एक जहाँ आग लग रही है, दूसरा जहाँ सिर्फ धुआं धुआं है। इस तरह से वो धुएं वाले रास्ते से जाता है, तभी उसे जॉन की बात याद आती है और वो अपना रास्ता बदलकर दूसरे गेट से निकल जाता है। उसे वहाँ एक रैंप दिखता है जिस पर से वो स्लाइड करता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और उसकी जान बच जाती है। इधर जॉन सैच और गोर्डो के साथ एक पब में बैठा हुआ है। जैसे ही फ्रैंक उस टाइमलाइन में आग से जिंदा बचता है, वैसे इधर जॉन के हाथ से शराब का ग्लास नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि सैच मेरे पापा आग में नहीं मरे थे। तभी गोर्डो कहता है कि हाँ उन्हें तो लंग कैंसर था जिस कारण वो 10 साल पहले ही मर गए थे। जॉन को ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है लेकिन वो बहुत खुश होता है। सैच और गोर्डो उसे अजीब नजरों से देखते हैं कि इसको क्या हो गया। असल में दोस्तों फ्रैंक अपने एक्शन जैसे जैसे बदलता रहेगा वैसे ही इफेक्ट 30 साल बाद जॉन को देखने को मिलेगा, जैसे अभी हुआ। सैच और जोर्डो को अब तक ये पता था कि फ्रैंक की मौत बक्सटन वाली बिल्डिंग में हुई है, लेकिन जैसे ही फ्रैंक इस टाइमलाइन में जिंदा बच गया तो जॉन वाली टाइमलाइन में फ्रैंक की मौत का कारण और टाइम ही बदल गया। अब उसकी मौत ज्यादा सिगरेट पीने के कारण लंग कैंसर से हुई है, ना कि किसी बिल्डिंग की आग से। घर आकर जॉन पुराने फैमिली फोटोग्राफ्स देखता है जिसमें अब उसके पापा भी दिखाई दे रहे हैं और वो टेबल पर देखता है जहाँ लिखा हुआ है आई एम स्टिल हेयर चीफ। और जॉन रेडियो ऑन करके फ्रैंक से कांटेक्ट करता है। फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम एक फरिश्ते हो जिसने मुझे उस हादसे से बचाया है, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हाँ ये है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन उन दोनों को लगता है कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जॉन फ्रैंक को बताता है कि ये सब बहुत अजीब है, मतलब उसे एकदम से ही बहुत कुछ नया याद आ रहा है। जॉन को एक ही वक्त की दो बातें याद आती हैं, मतलब उसे अपने पापा का ना होना भी याद है जो सिर्फ जॉन को ही पता है और किसी को नहीं, और उसे अपने पापा का होना भी याद है। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, शादी के बारे में, और तुम क्या करते हो। इधर फ्रैंक उसे अपने जॉब के बारे में बताता है कि वो एक पुलिस वाला बन चुका है, 36 साल की एज हो गई है उसकी, और बताता है कि एक दिन आप रेड मस्टैंग भी खरीदोगे, और भी बहुत कुछ फ्यूचर से रिलेटेड वो सारी बातें अपने डैड को बताता है। इसके साथ ही वो सिगरेट को छोड़ने के लिए ही बोलता है और उनका सिग्नल तभी कट हो जाता है। उसी रात फ्रैंक अपने वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी वाइफ उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और वो देखती है कि एक डॉक्टर पेशेंट को दवाई देने वाला है। तभी वो वहाँ जाकर उसे रोकती है और कहती है कि इस पेशेंट को अभी बेनिड्रिल दिया गया है और आप इसे बेनिफ्रिल लगा देते तो ये मर जाता, और डॉक्टर उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। फ्रैंक भी उसे गुड बाय करके निकल जाता है। इधर जॉन को रात को कुछ डरावने सपने आते हैं कि वो एक टेबल के नीचे बैठा हुआ रो रहा है, बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने हुए उसके घर पर इकट्ठे हो रखे हैं, और वो उठता है। पहले वो अपनी मॉम को फोन करता है लेकिन उसकी मॉम का फोन नहीं लगता। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड सैम के पास जाता है जो उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन सैम को ऐसा कुछ याद नहीं होता कि वो पहले भी कभी रिलेशनशिप में थे। दोस्तों पास्ट के चेंज होने से जॉन की लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, उसके साथ अचानक वो सब हो गया है जो तब नहीं होता जब फ्रैंक मर जाता, और यह सब उसे बहुत अटपटा लगता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ नाइट एंगल केस के लिए सैच उससे कहता है कि ये 10वीं शिकार थी उस सीरियल किलर की। जॉन कहता है नहीं, 3 ही तो मर्डर हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। सैच कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, और सारी फाइल दिखाकर बोलता है कि तुमने खुद 1000 बार ये फाइल्स पढ़ी हैं, उसमें से एक फाइल जूलिया सुलीवन की भी होती है जिसको नाइट एंगल केस के सीरियल किलर ने ही मारा था। और यह सब देखकर वो बहुत घबरा जाता है, सारी फाइल घर ले आता है और अपने पापा से रेडियो पर कॉन्टेक्ट करता है। फ्रैंक लाइन पर आता है, जॉन कहता है कि डैड मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, बहुत कुछ गलत हो गया, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए था, मॉम अब यहाँ नहीं है, मॉम को 30 साल हो चुके हैं गुजरे हुए, हमने पास्ट को बदलकर बहुत कुछ बदल दिया है। फ्रैंक घबराकर पूछता है कि किसने और कब मारा तुम्हारी माँ को।
जॉन कहता है किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया है और मॉम का मर्डर 22 अक्टूबर 1969 को हुआ था। मतलब फ्रैंक की टाइमलाइन के हिसाब से अभी एक हफ्ते बाद उसकी वाइफ मर जाएगी और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। जॉन कहता है कि पहले 1968 से 1969 तक 3 नर्स ही मरी थी और कातिल का क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया था, और अब 10 नर्स मर चुकी हैं जिसमें से एक मॉम भी है और कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और हमें ये सब रोकना होगा। असल में दोस्तों हुआ क्या है कि अगर फ्रैंक उस आग में मर जाता तो कहीं ना कहीं वो कातिल भी तभी मर जाता, जिससे बस ये मर्डर 3 ही रहते, इससे ज्यादा नहीं हो पाते। और फ्रैंक के जिंदा होने से ऐसा कुछ तो हुआ है कि वो कातिल भी जिंदा है और मर्डर करते जा रहा है। जॉन कहता है कि मैंने उसे देखा नहीं है लेकिन मैं आपको उसकी सभी लोकेशन बता सकता हूँ कि वो किस टाइम पर कहाँ होगा। और जॉन 14 अक्टूबर 1969 वाली फाइल खोलता है जिसमें एक नर्स कैरी रेनॉल्ड्स जिसकी बॉडी कोजी बार के पीछे गली में मिली थी। जॉनी अपनी डैडी से कहता है कि कल आप उस बार में जाना और कैरी को फॉलो करना, देखना कि कौन उसका पीछा कर रहा है, ऑन टाइम आप पुलिस को इन्फॉर्म कर कातिल को पकड़वा सकते हो। और फ्रैंक उस बार में जाता है, उसे कैरी भी मिल जाती है और वो उसे काफी टाइम तक देखता रहता है, जिस वजह से खुद कैरी उसे अप्रोच करती है और वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। इधर जॉन पुलिस स्टेशन में जाता है और कैरी की फाइल ढूंढता है, वो गायब हो चुकी है। वो समझ जाता है कि उसके डैडी ने कैरी को बचा लिया है। घर आकर जॉन अपने डैड से रेडियो पर कॉन्टेक्ट करता है और उसे बोलता है कि आपने कर दिखाया, अब कैरी का यहाँ पर कोई केस नहीं है, आपने कातिल को देखा। फ्रैंक कहता है कि मैं कातिल को देख नहीं पाया, मैंने कैरी को अपनी बातों में ही उलझाए रखा जिससे देखकर वो कातिल वहां से चला गया होगा। जॉन कहता है कि कोई नहीं, लेकिन हमें कातिल को पकड़ना होगा। और उस दिन फ्रैंक अपनी वाइफ की बात भी जॉन से करवाता है, वो भी बिना जाने कि वो मेरा फ्यूचर जन ही है। और जॉन फ्रैंक को उस किलर की अगली लोकेशन बताता है और इसके साथ ये भी बोलता है कि डैड मुझे नहीं पता कि रेडियो कब तक चलेगा और मैं आपसे कब तक बात कर पाऊंगा, बस आप अपना ध्यान रखना। फ्रैंक जॉन की बताई लोकेशन पर जाता है और उस लड़की को भी ढूंढ लेता है जिसका मर्डर होने वाला है, उसे एंड तक फॉलो करता है जब तक वो अपने रूम में नहीं चली जाती। इसके बाद वो रेस्ट रूम में चला जाता है, ठीक उसके पीछे एक अननोन पर्सन आकर उसके मुंह पर सूत कर एक घूसा देता है और वो चित हो जाता है। वो अननोन पर्सन फ्रैंक का वॉलेट निकालता है, उसमें से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर वॉलेट वहीं फेंक कर वहां से भाग जाता है। जब फ्रैंक को होश आता है वो अपना वॉलेट उठाकर उस लड़की के रूम की तरफ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर गेट खोलने को बोलता है, जिससे आसपास के लोग उसे देखते हैं। वो उन्हें कहता है कि इमरजेंसी और मैं पुलिस वाला हूँ, आप सब अंदर जाओ। जब गेट नहीं खुलता तो वो उसे तोड़कर रूम में एंट्री लेता है जहाँ उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है और किलर उसे मार चुका है। दोस्तों उस अननोन पर्सन का नाम है जैक शेपर्ड और ये नाइट एंगल मर्डर केस का ही सीरियल किलर है। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा पास्ट में ले जाऊंगा। जिस दिन फ्रैंक बस्टन वाली बिल्डिंग की आग से बच जाता है तब वो रात को आकर अपने बेटे से बात करता है, फिर बाद में अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। जब डॉक्टर एक पेशेंट को बेनेफ्रिल देने वाला होता है तभी जूलिया उसे ये करने से रोक लेती है क्योंकि उस पेशेंट को थोड़ी देर पहले ही बेनेड्रिल दी गई है, अगर डॉक्टर उसे वो दवाई दे देता है तो पेशेंट मर जाता है। और दोस्तों वो पेशेंट जैक शेपर्ड ही होता है, इससे जाने अनजाने में जूलिया उसे मरने से बचा लेती है। और अगर फ्रैंक उस बस्टन वाले आग में मर जाता है जैसे पहले हुआ था तो शायद जूलिया को शाम को ही हॉस्पिटल से घर ले आता और वो डॉक्टर जैक को वो दवाई दे देता जिससे जैक वहीं मर जाता है। और नाइट एंगल केस के मर्डर सिर्फ 3 ही होते, इससे आगे नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसने 7 और मर्डर करे जिसमें फ्रैंक की वाइफ भी एक है। फ्रैंक शाम को घर आकर जॉन से कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं उसे नहीं बचा सका और रेस्ट रूम में उस पे जो अटैक हुआ था उसमें वो किलर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले गया है, ये बात भी जॉन को बताता है। जॉन कहता है कि आपका वॉलेट कहाँ पर है। फ्रैंक बोलता है वो तो मेरे पास ही है। जॉन कहता है बस हमारा काम हो चुका है, उस किलर की फिंगरप्रिंट आपके वॉलेट पर आ चुके होंगे, आपको वॉलेट कैसे भी करके मुझ तक पहुंचाना होगा। फ्रैंक कहता है ये मैं कैसे करूंगा। जॉन कहता है आप वॉलेट को ऐसी जगह छुपा दो जिसको कोई अगले 30 सालों तक ना ढूंढ पाए। और फ्रैंक एक टेबल के नीचे उस वॉलेट को छुपा देता है। इधर जॉन उसी टेबल के नीचे देखता है और वो वॉलेट वहीं पर ही उसे मिल जाता है। नेक्स्ट डे जॉन उस फिंगरप्रिंट को चेक करवाता है और वो फिंगरप्रिंट उसी जैक शेपर्ड के ही होते हैं, लेकिन दोस्तों वो खुद एक पुलिस वाला है। जॉन उसे ढूंढता है, जैक उसे एक क्लब में मिल जाता है। जॉन जैक को कहता है कि मैं नाइटिंगेल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो सीरियल किलर हो। जैक कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं ही किलर हूँ तो तुम मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हो। जॉन कहता है कि गिरफ्तार तो तुम्हें जरूर करा जाएगा लेकिन अभी नहीं, 30 साल पहले। और यह कहकर जॉन वहां से चला जाता है। दोस्तों उसने जैक को इसलिए गिरफ्तार नहीं करा क्योंकि वो चाहता है कि उन 3 मर्डर्स के बाद जो भी मर्डर्स हुए हैं वो ना हो और उसके पापा अपनी टाइमलाइन में ही कैसे भी करके जैक को पुलिस को पकड़वा दें। और नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन फ्रैंक को जैक का एड्रेस बताता है
और कहता है कि आप FBI को फोन करो, जैक को एक्सपोज करो ताकि वो उसके घर की तलाशी ले और उन्हें वो सब गहने मिल जाए, क्योंकि जैक जिसको भी मारता था उसका एक गहना अपने साथ जरूर ले जाता था। इन्हीं बातचीत के दौरान सैच फ्रैंक के घर आता है और उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम कल रात कहाँ पर थे। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ होऊंगा। सैच कहता है कि मुझे लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ होगा वहीं तुम कल थे। फ्रैंक सैच को कहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता अभी। और घर के अंदर जॉन जो ऑनलाइन है अभी रेडियो पर, उसे चिल्लाकर कहता है कि सैच को मुझ पर शक हो गया है कि मैं ही नाइटिंगेल केस का किलर हूँ। इतने में सैच पीछे से आकर उसे पकड़ता है और इसी धक्का मुक्की में वो रेडियो नीचे गिर के टूट जाता है। पुलिस स्टेशन में फ्रैंक सैच को सब कुछ समझाता है कि कैसे वो अपने फ्यूचर के बेटे से बात कर रहा है और उसने किस तरह मुझे वो बक्सटन वाली आग से बचाया, और नाइटिंगेल केस की भी सारी बात वो सैच को बताता है। सैच उसकी बात का विश्वास नहीं करता और पूछता है कि तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई लेना देना था कि नहीं। फ्रैंक कहता है तुम मेरी बात का विश्वास करो। तभी दूसरे रूम से पुलिस वालों की आवाज आती है, वो सब एक बेसबॉल का मैच देख रहे हैं। फ्रैंक सैच से पूछता है कि अभी मैच की कौन सी इनिंग चल रही है। वो कहता है कि फोर्थ। तभी फ्रैंक सैच को सिक्स इनिंग का सारा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे देता है कि अब ये होगा, उसके बाद मैच में ये होगा। सैच कहता है कि तुम ये बकवास मेरे सामने मत करो। तभी फ्रैंक की वाइफ जूलिया स्टेशन में आ जाती है। सैच और जूलिया बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। जूलिया कहती है क्या हुआ, तुम फ्रैंक को इस तरह क्यों पुलिस स्टेशन ले आए। सैच जूलिया को सब कुछ बताता है कि किस तरह फ्रैंक एक मर्डर केस में फंस चुका है, शायद उस मर्डर का कनेक्शन नाइटिंगेल केस से भी है। तभी सैच का ध्यान टीवी पर चल रहे मैच की तरफ जाता है जहाँ सिक्स इनिंग ही चल रही है, और उस इनिंग को देखकर हैरान हो जाता है कि जैसा भी फ्रैंक ने बताया वैसा ही मैच में हो रहा है, और फ्रैंक की बात का विश्वास कर लेता है। जब सैच और जूलिया की ये कन्वर्सेशन चल रही होती है तो उसी टाइम फ्रैंक जिस रूम में लॉक है वहां पर जैक आता है और उस पर अपनी गन पॉइंट करता है। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर रूम में आने वाला होता है कि जैक अपनी गन उससे छुपा लेता है। जैक और पुलिस मैन वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। वो पुलिस वाला जैक को जानता है क्योंकि जैक भी एक पुलिस वाला ही है। इधर फ्रैंक को लगता है कि जैक उसे अगेन मारने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो जमीन पर पानी फैला देता है। और जैसे ही जैक अगेन रूम में एंट्री लेता है, फ्रैंक पानी में एक करंट वायर फेंक देता है और जैक को शॉक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फ्रैंक उसकी पॉकेट में उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसका एड्रेस देखता है और फायर सेंसर पर आग लगा देता है, जिससे चारों ओर फायर अलार्म बजने लगता है, और इसी भागम भाग का फायदा उठाकर वो स्टेशन से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक जैक के घर जाकर तलाशी लेता है और उसे कुछ गोल्डन चैन न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ मिलते हैं, जो जैक हर नर्स को मारने के बाद उनसे ले जाता था। तभी जैक अपने घर में आकर देखता है कि कोई उसके घर की तलाशी ले रहा है, और वो अपने रूम में जाता है, देखता है कि फ्रैंक विंडो से कूदकर भाग रहा है, वो भी फ्रैंक का पीछा करता है। एक टॉक पर आकर फ्रैंक जैक को ही पानी में डुबा देता है और खुद बचकर बाहर निकल आता है। तभी सैच अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचता है और उसे सब पता है कि फ्रैंक ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। फ्रैंक अपने घर जाता है और उस रेडियो को ठीक करता है। इधर डॉक पर सैच जैक की बॉडी ढूंढ रहा है लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती। इधर फ्रैंक रेडियो को रिपेयर करता है और जॉन से कॉन्टेक्ट कर कहता है कि मैंने जैक को मार दिया है। जॉन कहता है कि नहीं डैड, कुछ तो गड़बड़ है, अगर आपने जैक को मार दिया है तो मॉम अभी जिंदा क्यों नहीं हुई है और मुझे भी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इसी बातचीत के दौरान 1969 में तो जैक फ्रैंक को, 1999 में ओल्ड जैक जॉन को उनके घर में एक साथ एक टाइम पर मारने आता है। दोनों टाइमलाइन में ही जैक की जॉन और फ्रैंक से अच्छी फाइट होती है। एक टाइम में तो ओल्ड जैक जॉन को मारने वाला ही होता है, तभी 1969 वाली टाइमलाइन में फ्रैंक जैक के हाथ पर एक शॉटगन से फायर कर देता है, जिससे उसका हाथ ही गायब हो जाता है और वो फ्रैंक के घर से भाग जाता है। इधर 1999 वाली टाइमलाइन में भी ओल्ड जैक जॉन को फायर करने से पहले ही उसका हाथ भी डिसअपियर हो जाता है, जिससे वो दूसरे हाथ से जॉन पर फायर करने वाला होता है। तभी सामने से एक शॉटगन की गोली जैक को लगती है और वो मर जाता है। जब जॉन उस तरफ देखता है तो वहां पर ओल्ड फ्रैंक खड़ा हुआ है, जिसने अभी ओल्ड जैक को मार दिया है। असल में दोस्तों 1969 में ही फ्रैंक ने उसके हाथ पर गोली मार दी थी, जिससे वो उसके घर से भाग गया था, जिससे पूरा पास्ट ही बदल गया और 1999 तक फ्रैंक और उसकी वाइफ जिंदा ही हैं। और मूवी के एंड में जॉन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक बेसबॉल का गेम खेलता है और इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आज लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन प्लीज़ एक ऑनेस्ट फीडबैक दो इस वीडियो को लेकर। थैंक्स फॉर गिविंग योर फीडबैक।